बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. फॉर द मून रिवॉल्यूशन इन इलिप्टिकल ऑर्बिट अराउंड द अर्थ. तो बच्चों, यहाँ हम अप्लाई करेंगे केपलर्स लॉज ऑफ प्लैनेटरी मून. केपलर ने तीन लॉज दिए थे. फर्स्ट लॉ कॉल्ड एज द लॉ ऑफ ऑर्बिट्स, सेकेंड लॉ इज कॉल्ड एज द लॉ ऑफ एरियल वेलोसिटी और द लॉ ऑफ एरिया, एंड द थर्ड लॉ इज कॉल्ड एज द लॉ ऑफ पीरियड्स. तो बच्चों, जब हम फर्स्ट लॉ देखते हैं, इसके अकॉर्डिंग एवरी प्लैनेट अराउंड द सन रिवॉल्व एलिप्टिकल ऑर्बिट. अब यहाँ बात हो रही है मून एंड अर्थ के कॉम्बिनेशन की. तो यहाँ पर जो इस एलिप्स के दो फोकाई होंगे, इससे पर सिचुएट सन और मून को हम मान सकते हैं. तो मून इज रिवॉल्विंग अराउंड अर्थ, हैविंग अर्थ एट वन फोकाई एलिप्स. तो बच्चों, करेक्ट आंसर होगा. थैंक यू.